सरदारपुर तहसील के हनुमतिया काग में आरईएस विभाग द्वारा बनाए जा रहे लगभग 36 लाख रुपए के तालाब निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और जांच पड़ताल भी शुरू हो गई, जिसमें उक्त तालाब का मूल्यांकन लगभग 15 लाख रुपए का सिद्ध हुआ। पूरे मामले में शिकायतकर्ता सुखराम मेड़ा, जो जनपद पंचायत सदस्य निर्माण समिति के अध्यक्ष है, के अनुसार एक राजनीतिक रसूखदार जनप्रतिनिधि जो कि कांग्रेसी नेता के करीब है के माध्यम से पूरा तालाब जेसीबी से ही खुदवाया गया, जिसकी शिकायत के बाद जनपद सीईओ ने दो अधिकारियों को जांच हेतु भेजा, जिसमें एई राजेश परमार और प्रवीण भाटी की टीम ने जांच पड़ताल में लीपापोती करते हुए जांच प्रस्तुत कर दी। वहीं भाजपा के पूर्व जिला जनपद सदस्य संजय बघेल ने भी तालाब जेसीबी से खुदवाने का आरोप लगाया था और कांग्रेसी ठेकेदार के माध्यम से गिने चुने मजदूरों से काम लेना दिखलाया गया था। अब मामले की पोल खुलने के बाद आरईएस विभाग के एसडीओ डोडवे ने पूरे मामले से हाथ खड़े कर दिए हैं और ठेकेदारी से ही इनकार कर दिया। वहीं पूरे मामले में भ्रष्टाचार नजर आने के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। ग्राम पंचायत में आरईएस विभाग द्वारा 36 लाख का तालाब निर्माण किया गया जो कि कंप्लीट है, उसमें क्या घटिया निर्माण किया गया ठेकेदार द्वारा। उस विषय में मैं कुछ 4-5 दिन पहले गया था साइड में, जब नींव खुदी थी, जब उसमें नींव एक 2 से 2.5 फीट नींव खुदी गई है और उसमें घटिया निर्माण किया गया। उस विषय में मैं एसडीओ मोटवे के पास भी गया था, मतलब ठेकेदार द्वारा जो है तालाब बन रहा है, तो ये ठेकेदार पिछले साल भी ऐसा एक तालाब बना रहा जो कि उसमें पानी भी नहीं बचा था। उस विषय में मोटवे जी ये बोले वो तो गाँव उसी गांव का आदमी है, वही तालाब बनाएगा। मैं सर वो कौन है, विधायक है, सांसद है, कोई जनपद अध्यक्ष, ऐसा मैंने बोला उनको, तो बोले नहीं उनके गाँव के तालाब वही बनाएंगे। मैंने सर उसकी जाँच तो बोला आप गए थे वहाँ साइड पर, बोले नहीं गए, मेरे साइड पे जाके देखो उसको घटिया निर्माण किया जा रहा है वहाँ पे, उनने ऐसा कह के पल्ला झाड़ लिया। फिर क्या हुआ इसमें? इसमें क्या, मैंने फिर सीओ साहब को जांच का लेटर दिया था, उस विषय में आज जांच पे गए थे परमार साहब और भाटी साहब जी, वहाँ जांच करके लाए उसको, लंबाई चौड़ाई उसकी गहराई और राइट एरिया में आ रहा नहीं आ रहा ये सब भी जवाब भी परमार साहब देंगे उस विषय में। कितने लाख की लागत का हो गया होगा काम? और अनुमानित ये लागत है सर करीब 8 से 10 लाख रुपए लागत से बना दिया गया।